लेकिन कानून एक होना चाहिए अकुई कानून कुने कानून को सत्य लागू का सुन कुने कानून को सत्य लागू का सुन हमारे भाई जो रजौरी से आए हैं पुंछ से आए हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम उर्दू में बोलें तो मैं उर्दू में ही बोलती हूँ बहनों भाइयों हम सब लोगों को सड़क की बहुत ज़रूरत है बिजली की बहुत ज़रूरत है नौकरी की ज़रूरत है पार्कों की ज़रूरत है स्कूलों और हस्पतालों की ज़रूरत है हमें ये सब चीज़ें चाहिए हम किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे लेकिन ये सारी चीज़ें सड़क बिजली पानी हमें इज्जत के साथ चाहिए हमें अपना सर ऊंचा रख के चाहिए सर नीचा करके नहीं चाहिए हमारी आवाज़ बुलंद और हमारा सर बुलंद रहेगा तब हमें ये सब चीज़ें चाहिए हमारी कोशिश यही रहेगी हमारी पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि मसला कश्मीर के हल के लिए हम लोग ज़मीन हमवार करें हम लोग इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा करें कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल एक ढूंढा जाए और हमारे लोग जो इस हमारी ये जो हमारी पाक सरजमीन है इस पर कोई भी किसी का भी खून इस सरजमीन पर ना बहे हमारी यही कोशिश रहेगी हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनके साथ में आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जुल्म हुआ हमारे ताजिर जो बाहर जाते हैं तिजारत करने के लिए उनके साथ हमने देखा कि किस तरह से जुल्म हुआ जब हमने इसकी आवाज उठाई जब हम इसके खिलाफ एकजुट हुए उस वक्त मेरे ऊपर एक FIR डाल दिया गया लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे 1000 FIR मंजूर हैं, हमें ऐसे 100 FIR मंजूर हैं, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं तिजारत करने जाते हैं उनके साथ ज्यादतियां नहीं हो हमारे ऊपर हम 100 FIR बर्दाश्त करेंगे लेकिन हमारे लोगों के ऊपर हम कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी में मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ वहां आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स पर जुल्म किया गया उन पर सेडिशन लगाया गया उनको अरेस्ट किया गया लेकिन हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमने एक मुहिम खड़ी की जिससे मोदी हुकूमत का पर्दाफाश हुआ उनकी एक एक गलती को हम लोगों ने एक्सपोज किया और हम लोग यहाँ भी एक मुहिम छेड़ने आए हैं ये मुहिम किस चीज के लिए है ये मुहिम अमन और तरक्की के लिए है ये मुहिम हमारे कौमी वकार के लिए है ये मुहिम हमारी डेवलपमेंट के लिए है ये मुहिम हमारी एकजुट के लिए है हमारी एकता के लिए है मैं अपनी सभी बहनों से खासकर बहनों से और माओं से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सामने आए ये पार्टी आपकी है ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जहां पर औरतों को अपना हक नहीं मिलता हम जानते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है वो औरतों ने किया है हम देखते हैं किस तरह से औरतों ने अपने शौहर खोए किस तरह से अपने बेटे खोए हम चाहते हैं कि औरतें ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस पार्टी में शिरकत करें मैं दावत देना चाहती हूँ हमारे नौजवानों को हमारे तालिबे इल्मों को जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं जिनको अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जाता जिनको यूनियन नहीं बनाने दिया जाता मैं कहाँ से आई हूँ क्या मैं किसी पॉलिटिकल डायनास्टी से हूँ क्या मेरे पास करोड़ों रुपया है नहीं हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सामने आए हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का ये एक बड़ा एजेंडा रहेगा कि हम स्टेट के यूथ को एम्पावर करें कॉलेजेस में हम लोग ये मुहिम छेड़ेंगे कि वहां पर लोग आगे आकर अपनी आवाज उठा सके अगर उनके पास लाइब्रेरी लेबोरेटरी नहीं है ये आवाज भी उठाए अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसकी आवाज भी उठाए अगर उनको अपना पॉलिटिकल डिसेंट एक्सप्रेस करना है उसकी आवाज भी उठाए हम दावत देना चाहते हैं औरतों को नौजवानों को बुजुर्गों को बच्चों को कि इस मुहिम में शामिल होइए क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है ये एक मुहिम है इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ हम लोग डॉक्टर शाह फैसल के साथ हैं डॉक्टर शाह फैसल के हाथ बुलंद करने के लिए उनके जो है हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं शुक्रिया जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जिंदाबाद